नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं प्राइम उत्तर प्रदेश की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जून में प्रस्तावित काशी दौरे से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को तैयारियों को परखने वाराणसी जाएंगे। दो दिवसीय प्रवास पर मुख्यमंत्री वाराणसी पहुंचेंगे, जहां सर्किट हाउस में थोड़ी देर रुककर जंगमबाड़ी मठ में आयोजित श्री जगत गुरु विश्वेश्वर शिवाचार्य महास्वामी के जन्मोत्सव कार्यक्रम में शामिल होंगे। साथ ही मुख्यमंत्री शुक्रवार की शाम को विकास कार्य और कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक करेंगे। सीएम के आगमन की सूचना के बाद से ही प्रशासन बैठक की तैयारियों में जुट गया है। बैठक के बाद सीएम योगी डीएवी पीजी कॉलेज में चौरी चौरा शताब्दी समारोह के तहत आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। खबर चंदौली से है, जहां सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ की सरकार द्वारा परिषदीय विद्यालय पर शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए और सरकारी विद्यालयों को कॉन्वेंट के तर्ज पर विकसित करने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। वहीं विद्यालयों में ग्राम प्रधान और सरकारी अमले की लापरवाही के कारण सरकारी स्कूलों के नौनिहालों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ताजा मामला सदर तहसील के बबुरी कस्बा स्थित प्राथमिक और कन्या पूर्व माध्यमिक विद्यालय का है, जहाँ विद्यालय परिसर में कस्बे के नाले का पानी आने से पूरे स्कूल परिसर में पिछले दो दिनों से गंदे नाले के पानी से भर चुका है, जिससे पढ़ने वाले बच्चों और शिक्षक अन्य कर्मचारियों को संक्रमण रोग ग्रसित होने का खतरा सता रहा है। सहायक अध्यापक के द्वारा प्रधान सचिव से कई बार शिकायत करने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। समस्या इतनी बड़ी है, लोग बताते हैं कि इसमें जेसीबी नहीं चल सकता, सफाई नहीं हो सकती, इसलिए कभी कभी इसकी जो सफाई हुई वो औपचारिक ढंग से हुई, इतनी अच्छी सफाई नहीं हुई कि निकास अच्छा हो सके। अब ये समस्या गांव की सबसे बड़ी समस्या है, ये निकास की है। चारदीवारी में फटा हुआ है, चारदीवारी का जो मतलब ये जो फील्ड का लेयर है उसके लेयर से ये नीचे है, फील्ड हमारा गहरा है और वो पट के इसका लेयर ऊँचा हो गया है नाले का। अब वहाँ का पानी जो है अब नीचे होने के कारण इसमें आके भर जा रहा है। ये बताइए कि इस बारे में कई बार अपने ग्राम के ग्राम प्रधान और सेक्रेटरी महोदय को बताया गया है, उन्होंने संज्ञान में लिया है और सफाई कर्मियों को कल भी भेजे थे, आज भी भेजे हैं। उन्होंने बताया कि एक सप्ताह के राज ठाकरे के अयोध्या दौरे का विरोध कर रहे केसरगंज के बाहुबली सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने अयोध्या के प्रमुख संतों से मुलाकात की, जहां राज ठाकरे के विरोध के लिए संत समाज से मांगा समर्थन। रामलला के प्रधान पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने केसरगंज सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह को आशीर्वाद भी दिया। ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा कि बिना माफी मांगे अयोध्या तो दूर, उत्तर प्रदेश की धरती पर राज ठाकरे को नहीं रखने देंगे कदम। बता दें कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास और जगत गुरु राम दिनेशाचार्य मंगल भवन महामंडलेश्वर राम भूषण दास कृपाल रामलला के प्रधान पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास से मुलाकात की। हर हर महादेव हिंदू जनभावना उससे जुड़ा हुआ है, क्योंकि आप जब ज्ञान वापी परिसर को देखेंगे तो आपको सीधे दिखेगा कि यह पौराणिक मंदिर है। चाहे पीछे का आकार देखिए, चाहे आगे नंदी भगवान को देखिए, चाहे जिस गौरी मैया की पूजन के लिए जो परिसर में है जो बंद कर दिए गए थे, इस चीज़ को लेकर देखिए, तो कोर्ट का आदेश सराहनीय है और मुझको लगता है कि उत्तर प्रदेश के प्रशासन उसको सख्ती से पालन करेगा। अब जो अराजक तत्व के लोग थे जो बाधा उत्पन्न करते थे, अब वो बाधा उत्पन्न नहीं। अलीगढ़ में रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां नगला पटवारी में अनियंत्रित ट्रक ने कई लोगों को रौंद दिया। वहीं हादसे में चार लोगों की मौत हो गई है और गंभीर रूप से घायल लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूचना पर पहुंचे पुलिस मामले में जांच करने में जुट गई है, शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बता दें कि परिजनों ने एसीएम को ज्ञापन देकर मुआवजे की मांग की है। 11 दिन पहले खूनी तांडव सड़क के ऊपर मचा, जिसमें अनेकों जगह एक्सीडेंट मारते हुए एक ट्रक कई लोगों को रौंदता हुआ मन्नत अस्पताल पर लाकर उसने तीन और लोगों को रौंद दिया।
उसके संदर्भ में जो परिवार के लोग हैं उनको लावारिस छोड़ दिया प्रशासन और शासन ने। चार लोग मरे, अनेकों लोग घायल हुए और सरकार पूरी तरह से चुप बैठी है, प्रशासन पूरी तरह से चुप बैठा। इनके परिवार के पास कोई अधिकारी पहुंचा तक नहीं। 11 से 12 दिन हो रहा है, इनके लिए उचित मुआवजे की मांग को लेकर के हम आए हैं। इनके परिवार के जो मृत परिवार के लोग हैं उनको एक सरकारी नौकरी दी जाए, जो लोग गंभीर रूप से घायल हैं उनको भी, उनके परिवार को भी नौकरी दी जाए और उचित मुआवजा दिया जाए। यहाँ तक कि इतनी संवेदनहीनता कि जो लोग घायल हैं उनका भी उपचार उनके परिवार को खुद कराना पड़ रहा है अपने पैसों से। ये सब गरीब लोग हैं लेकिन बावजूद इसके शासन प्रशासन नहीं सोच रहा है। हम और एक और मांग लेकर के आए हैं कि वो पटवारी के नगले वाली रोड वो खूनी तांडव मचाती रही है और खूनी सड़क के नाम से मशहूर हो चुकी है, उस सड़क पर अब भारी वाहनों का पूरी तरह से वर्जित किया जाए क्योंकि आगे जाकर के कोई और घटना न घटित हो। मैं इस समस्या के लिए आई हूँ, मेरे पति को कोई इलाज नहीं हो रहा है, मैंने कर्ज पानी करके लगाया भी है उस इलाज के लिए, तो टांगे भी पक रहे हैं उनके। अगर ठीक होने के बाद में मेरे आदमी की दुकान पूरी उजाड़ दी है, जिसमें जो माल भरा था मंडी वाले का वो भी पैसे उधार दे, 50-60 हज़ार रुपये का माल भरा हुआ था, वो भी सब उसने ट्रक ने कुचल दिया, वो भी जो भी एक इतना सब बाढ़ तलक नहीं बचाया है, कुछ भी नहीं बचाया। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जनपद अलीगढ़ के पदाधिकारी, अभी जो दिनांक 1 मई को एक घटना घट गई थी नगला पटवारी में, एक अनियंत्रित ट्रक ने कुछ लोगों को कुचल दिया था, उसमें 4 लोगों की मृत्यु हो गई थी, कुछ लोग घायल भी हो गए थे। तो ज्ञापन के माध्यम से उन्होंने अवगत कराया कि जो मृतक थे उनके परिवार को अभी मुआवजा, उचित मुआवजा नहीं मिल पाया है और जो घायल हैं उनकी बीमारी का भी उचित देखभाल नहीं हो पा रही है, तो ज्ञापन इसी। मुरादाबाद के मुंडा पांडे क्षेत्र के गांव अहरौला में भारतीय किसान यूनियन भानु के राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह पहुंचे, जहां उन्होंने भारतीय किसान यूनियन भानु के मुरादाबाद से जुड़े नए पदाधिकारियों को जिम्मेदारी देकर उन्हें मनोनयन पत्र देकर सम्मानित किया। साथ ही उन्होंने कांग्रेस सरकार, सपा सरकार, बसपा सरकार पर जमकर हमला बोला और कहा कि कांग्रेस सरकार ने बहुत घोटाले किए हैं। खबर मथुरा से है, जहां डॉक्टरों की कमी के चलते जिला अस्पताल में मरीज परेशान हो रहे हैं और मरीजों के परिजनों को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। परिजनों ने रात में हंगामा काटा, स्वास्थ्य व्यवस्था को देखते हुए और स्वास्थ्य सेवाओं का विरोध किया गया। विरोध कर रहे परिजनों से पूछा तो उन्होंने बताया कि रात्रि में कई मरीजों को देखने नहीं आता है, कोई सुनने वाला नहीं है, तो वहीं हंगामे को देख पुलिस भी मौके पर पहुंची और अस्पताल में हंगामा कर रहे परिजनों को समझा बुझाकर मामला रफा दफा कराया। परंतु बड़ा सवाल ये उठता है कि सरकार के द्वारा स्वास्थ्य सेवाओं के लिए लाखों रुपए खर्च किए जाते हैं परंतु धरातल पर कुछ दिखाई नहीं देता है। भैया मैं ये कहना चाहता हूँ, यहाँ तमाम लोग पेशेंट भर्ती हैं, उनकी कोई देखभाल नहीं है कैसी भी, ये बात तो सही कह रहे हैं। तमाम बड़ी बूढ़ी भर्ती हैं, सब तरह के लोग भर्ती हैं, कोई कैसी भी सुनवाई नहीं है किसी प्रकार की, और सबके साथ अभद्रता प्रयोग कर रहे हैं सब लोग और कोई कैसी भी सुनवाई नहीं है। सुन लो, क्या मतलब हुआ, आप लोग यहाँ पे ड्यूटी के लिए अलाउड हुए हो कि यहाँ पे फोन चलाने के लिए कर्मचारियों से काम करा रहे, ऊपर से उल्टा सीधा बोल रही है, ये बोल रही है तो उसमें जो करा जाए वो कर ले। रात का समय है, कोई डॉक्टर भी नहीं आ रहा है, कोई भी नहीं है, ऊपर से ये नहीं है और लाचार व्यक्ति आ रहे हैं, उनके साथ अभद्रता से बात की जा रही है। ऊपर से उसने ये बोला है मुझसे कि मैं ऐसे ही फोन चलाऊंगी, मेरे 12 घंटे की ड्यूटी है, मैंने इससे बोला 12 घंटे की ड्यूटी है तो फिर आप ड्यूटी नहीं कर रही तो घर बैठिए आप अपने, लेकिन वो तब भी बहस करे जा रही है। मामला है हमारे रिश्तेदार भर्ती हैं, इनकी कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है, पूरे वार्ड में कोई भी डॉक्टर नहीं है, ना कोई डॉक्टर ना कोई कंपाउंडर, मरीज देखो इनके ऊपर ब्लड चढ़ा हुआ है, कोई भी व्यवस्था नहीं है, आंटी भर्ती हैं यहाँ पे, यहाँ भी कोई व्यवस्था नहीं है, नर्स आई हैं और नर्स बहस कर रही हैं इनसे बुरी तरीका से, जो भी कर्मचारी आ रहा है अभद्रता से बात कर रहा है, कोई भी सुनवाई नहीं है। हम ये भी चाह रहे हैं मुख्यमंत्री जी के पास हमारी ये सूचना जाए और इनके पास तत्काल इनके ऊपर कोई ना कोई कानूनी कार्रवाई हो, इनसे मरीजों को कोई भी दिक्कत। खबर बलरामपुर से है, जहां प्रशासन की बड़ी
कार्यवाही सामने आई है, जिसमें पूर्वांचल के बाहुबली माने जाने वाले पूर्व सांसद एवं प्रदेश स्तरीय माफिया रिजवान जहीर की 3,26,00,000 रुपए की संपत्ति प्रशासन ने जब्त कर ली। गौरतलब है कि जिस तरह से प्रदेश सरकार गुंडों और माफियाओं पर अपना हंटर चला रही है, इसी प्रकार से गैंगस्टर और प्रदेश स्तरीय माफिया रिजवान जहीर पर प्रशासन का चाबुक चला है और उनकी सभी संपत्ति को प्रशासन ने जब्त कर लिया है। इस समय रिजवान जहीर, उनकी बेटी और उनके दामाद पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि फिरोज पप्पू की मौत के आरोप में जेल में बंद है। कुख्यात गैंगस्टर रिजवान जहीर द्वारा अपराध से अर्जित संपत्तियों में से जनपद बलरामपुर में अर्जित भूखंड, कोठी में सामान तथा स्टेट बैंक तुलसीपुर, पंजाब नेशनल बैंक, प्रथमा ग्रामीण बैंक तुलसीपुर के खाते जब्त किए गए। जब्त की गई संपत्ति लगभग 4 करोड़ की है। जब्ती की कार्रवाई अभी भी प्रचलित है। खबर बदायूं से है, जहां थाना सिविल लाइन में हुए हत्याकांड का पुलिस ने 24 घंटे के अंदर पर्दाफाश किया है। बता दें कि मुखबिर की खास सूचना पर अभियुक्त सूरज श्रीवास्तव को सिविल लाइन से गिरफ्तार किया गया और आगे की कार्यवाही में पुलिस जुट गई है। संभल में हरिबाबा मोलनपुर गंगा घाट पर लापता किशोली निवासी मुनेंद्र और विशाल के लिए आज सुबह गोताखोरों ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और विशाल और मुनेंद्र का शव बाहर निकाला गया। परिवार वालों ने पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया। चौकी इंचार्ज टी पॉइंट रविंद्र कुमार ने पंचनामा भरकर दोनों के शवों को परिवार को सुपुर्द कर दिया। बता दें कि बहजोई थाना क्षेत्र के किशोली का निवासी कृपाल अपने बेटे का मुंडन संस्कार कराने गंगा घाट पर आए थे, जहां स्नान करते समय उनके साथ के 4 लड़के गंगा के तेज बहाव में बह गए थे। लड़कों के लापता होने के बाद गंगा घाट पर अफरा तफरी का माहौल हो गया और चारों तरफ चीख पुकार मचने लगी। उस बीच ग्रामीणों ने गंगा जी में कूद कर मौके पर डूबते हुए कौशल और दुर्गेश को जिंदा बचा लिया। खबर जनपद प्रतापगढ़, विश्व नर्सिंग दिवस नर्सिंग डे के अवसर पर सांगीपुर अधीक्षक आनंद तिवारी ने नर्सों को बधाई दी। इस मौके पर सांगीपुर सीएचसी में नर्सों के द्वारा विशेष सेवा अभियान चलाया गया। बता दें कि इस दिन दुनिया की सबसे मशहूर नर्स फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्मदिन होता है। नर्सिंग दिवस के उपलक्ष्य में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सांगीपुर में यहाँ पे कार्यरत सभी स्टाफ नर्सों द्वारा उक्त दिवस हर्षोल्लास से मनाया गया एवं आज जो भी बच्चों का यहाँ जन्म हुआ 2 लाभार्थी थे, उनके जन्म के उपरांत स्टाफ नर्सों द्वारा उनको फल वितरित किया गया एवं उनको सारी जानकारियाँ दी गई उनके द्वारा। आज विश्व नर्सिंग दिवस है, आज 12 मई है, साल के हर महीने में 12 तारीख को नर्सिंग दिवस होता है और हम लोगों ने इतनी तैयारी की है कि कोई भी पुरुषों आ जाए या कोई भी मरीज आ जाए तो उसकी तैयारी के लिए आज एक कुछ स्पेशल हम लोगों ने रखा है कि मरीज के लिए जैसे पुरुषों हो रहा है हमारे यहाँ तो उसको फल वितरण के लिए या फिर कुछ स्पेशल के लिए। प्राइम उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।